मोदी जी बोल रहे हो? हाँ हाँ मैं मोदी बोल रहा हूँ। मोदी जी पीएम बोल रहे हो? हाँ हाँ मैं मोदी बोल रहा हूँ, पीएम ऑफ इंडिया। आप कौन बोल रहे हैं? अच्छा, पीएम ऑफ इंडिया, पकौड़ा मंत्री ऑफ इंडिया। मैं कानपुरी चचा बोल रहा हूँ मोदी जी। अरे कानपुरी चाचा, प्रणाम प्रणाम प्रणाम। और मोदी जी, देश के नौजवानों ने आपको वोट इसीलिए दिया था कि आप उनसे पकौड़ा छनवाओ। मोदी जी, अब तो आपको अलग से एक पकौड़ा डिपार्टमेंट ही बना लेना चाहिए भारत सरकार में। अब तक तो आपकी जुमलेबाजी ही सुनी थी, लेकिन अब तो आप पप्पू टू हो गए। अरे चचा हमारी जबान फिसल गई थी। मतलब कि वाह भाई वाह, क्या विजन है। बचपन चाय बेचने में क्या गुजारी, देश के बेरोजगारों की स्थिति को समझाने के लिए पकौड़े का ही उदाहरण दे दिया। अरे चचा अंग्रेजी तो हमें आती नहीं तो इकोनॉमिक्स कहाँ से समझ में आएगा? जब से आपके पकौड़े की कहानी दुनिया में फैली है, अब तो पाकिस्तानी आतंकवादी जहरीले पकौड़े ही कश्मीर में सप्लाई करेंगे, और चीन वाले भारत के बाजार में सस्ते पकौड़े ले आएंगे। हल्दीराम भुजिया वाला अपने कंपनी का नाम बदल के हल्दीराम पकौड़े वाला करने वाला है मोदी जी। पकौड़े के कहानी के इसी मौके का फायदा उठाकर हो ना हो रामदेव बाबा पतंजलि पकौड़ा निकाल दें। मोदी जी, पकौड़े में भी भेज पकौड़ा बेचवाइएगा, नन भेज पकौड़े बेचने पे जनसंघी भड़क जाएंगे। बेरोजगार आपकी बात से काफी गुस्साए हुए हैं, अकेले नहीं घूमिएगा, नहीं तो पकौड़े के फेरे में आपको लोग ही पकड़ लेंगे। अब तो हमें वो पुराना नाटक याद आ रहा है, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर पकौड़ा टके शेर खाजा। अब हमारी जबान क्या फिसल गई? आपने तो हमारा ही पकौड़ा बना दिया चचा। अब तो भारतीय पुलिस सेवा के लोगों को अपना शॉर्ट फॉर्म बदलना होगा, क्योंकि अब तो आईपीएस का फुल फॉर्म हो गया इंडियन पकौड़ा सर्विस। बीजेपी का मतलब हो गया भारतीय जनता के पकौड़े। कहने की तो बात नहीं है मोदी जी, मगर कह ही देते हैं, आपकी सरकार में देश के पकौड़े लग गए।